मनीष तिवारी ने अपनी आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद रविवार को पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार किया और चीन की कथित घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधने वाले अपने ट्वीट के स्क्रीनशॉट साझा किए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के निपटने के तौर तरीकों की आलोचना करने को लेकर पिछले हफ्ते तिवारी पर हमला करते हुए कहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह मुद्दा उस वक्त नहीं उठाया जब वो सरकार का हिस्सा थे। चौधरी ने कहा था कि 24/11 हमलों के बजाय तिवारी को चीन पर और भारत की सीमा पर उनकी हालिया गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौधरी पर पलटवार करते हुए तिवारी ने ट्वीट किया कि प्रिय अधीर दादा, उम्मीद करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को संबोधित ट्वीट के स्क्रीनशॉट आपकी चिंताओं और आलोचनाओं का भी दूर कर देंगे। उन्होंने रक्षा मंत्री को संबोधित अपने ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ दिन में किए गए ट्वीट में कहा कि चीन की लगातार घुसपैठ और उन्हें भाजपा सरकार का जवाब मेरी पुस्तक का एक अहम हिस्सा है। तो 26/11 जिसे अभी कुछ ही दिन बीते हैं 13वीं बरसी को, इससे पहले ही दरअसल मनीष तिवारी की किताब को लेकर बवाल खड़ा हो गया था, जिसके बाद अपनी ही पार्टी में जो फूट है, जो कलह है, वो देखते हुए कांग्रेस में नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह बरकरार है। मनीष तिवारी ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिसके तौर पर वो लगातार अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज इस पर वो आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। जब वो सत्ता में थे तभी उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, ना कि आज।